बस हैं दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसको देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या टॉपिक लेकर आई हूँ आज अपने दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम नए उम्र के लिए पॉट लेकर आए हैं, क्योंकि अब उम्र माशाल्लाह माशाल्लाह से 2 साल के अभी कुछ अरसे में हो जाएंगे, तो कुछ महीनों में बल्कि, तो उस उनके लिए हम ये पॉट लेकर आए हैं। ये देखें आप, पहले तो आपको पता है बड़े सिंपल से पॉट मिलते थे बच्चों के छोटे से, लेकिन आजकल वो भी आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये सीट टाइप के भी आ रहे हैं। इसमें ये फ़ायदा है भी दोस्तों कि बच्चे जो हैं वो आराम से उनको यहाँ बिठा दें और ये ऊपर डंडा लगा दें, इससे यहाँ पे ये निकल भी जाता है, ये दोनों जगह से हुक से, और ये लग भी जाता है। बच्चों को बिठा के ये लगा दें ताकि बच्चे गिर ना सकें, और ये पूरी उन्होंने बैग पे जगह दी हुई है ताकि बच्चों को जो है आराम से बैठने की भी जगह मिल जाए। और फिर ये निकालने का भी है, ये देखेंगे आप, जब बच्चे पोटी ये शू कर लें तो ये निकाल लें, और उसके बाद इसको वॉश करके अच्छी तरीके से इसको यूँ लगा लें, ये पूरा निकल जाता है, ये देखें। तो दोस्तों, ये कितनी अच्छी चीज़ उन्होंने अब बच्चों की बनाई है। पहले इस तरह का नहीं होता था, पहले माओं को पूरा वो पॉट उठा के जो है वो धोना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ ये करेंगे, आपकी ये सीट यहीं रहेगी, बस ये बीच का निकाल देंगे। तो एक ये चीज़ हम उम्र के बाथरूम के हिसाब से लेकर आए हैं। ये आज का जो टॉपिक है ना, उसमें वॉशरूम से मुतालिक ही 2 चीज़ें। तो एक ये है जो मैंने आपसे पहले किसी ब्लॉग में कहा था कि आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं जब लाऊँगी, तो ये एक मुझे आपसे शेयर करना था। और दोस्तों, दूसरा जो है उम्र का टूथ ब्रश है, वो ये देख सकते हैं आप, इतना क्यूट सा। और ये देखें, तो ये हम उम्र का लेकर आए हैं। ये कवर में मैंने किया हुआ है, अभी निकाला नहीं है, कवर में है ये, क्योंकि आपको पता है कि व्लॉगिंग जब मैं एक हाथ से कर रही होती हूँ तो उसमें जो है एक हाथ से ही यूज़ हो सकता है आप चीज़ दिखाने में। तो ये जब भी उम्र का हम ब्रश लेकर आए हैं दोस्तों, बहुत क्यूट सा, ये देखें, ये कवर में हुआ हुआ है, बहुत सॉफ्ट सा है, ताकि उम्र के जब अभी दांत आ रहे हैं ऊपर नीचे के, दाढ़े आ रही हैं, तो वो उम्र को उसमें ब्लड आना शुरू ना हो जाए, ज़्यादा सख्त ब्रश ना हो, तो हम बहुत नरम सा देख के लेकर आए हैं ये भी। तो दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग जो था, 2 चीज़ें जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो यहीं तक था, और ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे तो नई बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक और चीज़ों के साथ आऊँगी, उन चीज़ों के साथ जिनसे मेरे यूट्यूब फैमिली को भी फ़ायदा हो और आपके बेबीज़ को भी फ़ायदा हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरा चैनल अच्छा लगता है दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।